Hello everyone, so today we are going to discuss the JEE Mains PYQ 2023 of chapter P block element. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से. क्वेश्चन नंबर वन में बोला है विच ऑफ द फॉस्फोरस ऑक्सा एसिड कैन क्रिएट सिल्वर मिरर विद HNO3. तो कौन सा सिल्वर मिरर बनाएगा जो कि अपने आप में रिड्यूसिंग नेचर रखता होगा. रिड्यूसिंग नेचर यानी कि फॉस्फोरस के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए हाइड्रोजन. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के देखते हैं. H4P2O5 H4P2O5 का स्ट्रक्चर रहेगा कुछ ऐसा. ठीक है, H4P2O5 हो गया 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पीएच बॉन्ड है. तो अगर पीएच बॉन्ड है तो सिल्वर मिरर बनाएगा कि यस, ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज H4P2O5. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, फर्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर टू में बोला है कटाइन और ग्रुप रिएजेंट. ठीक है, सो ये हमारे पास पीबी और कॉपर कौन से हो गए. पीबी को तो वैसे उसमें प्लस ग्रुप वन में भी लेते हैं, ग्रुप टू के हो गए दोनों. ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप टू, ये हो गया ग्रुप थर्ड, ये हो जाता है ग्रुप फोर के और ये हो जाता है ग्रुप फाइव के. ठीक है, तो हमें इनके रिएजेंट पता है कि ग्रुप टू में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं. ठीक है, तो बोलो पीबी और कॉपर का क्या बनाना है, अपने को सल्फाइड बनाना है. पीबीएस और सीयूएस किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे, शुरू में रखते हैं एसिडिक मीडियम ग्रुप टू में. ठीक है, क्यूएसपी और केएसपी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, डिटेल में अपने को बताइए. सो ए में आएगा H2S इन अ प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट HCl. सो ए में आएगा फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट एल्यूमिनियम और आयरन का क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड AlOH3 और FeOH3. तो हाइड्रोक्साइड अपने को बनाना है इन अ प्रेजेंस ऑफ NH4Cl. बी में आएगा थर्ड. ठीक है, नेक्स्ट कोबाल्ट और निकल का भी क्या बनाएंगे, सल्फाइड बनाएंगे, बट बेसिक मीडियम में यहाँ पे बनाएंगे, वीक बेसिक अपन यहाँ पे लेते हैं. सो लिया अपन ने क्या, सल्फाइड दैट इज H2S इन अ प्रेजेंस ऑफ NH4OH. सो सी में आ जाएगा फोर्थ. और लास्ट बेरियम और कैल्शियम के क्या बनाएंगे अपन, BaCO3 और CaCO3 इन अ प्रेजेंस ऑफ NH4OH, यानी कि डी का आएगा सेकेंड वन. सो द करेक्ट आंसर इज वॉट, फर्स्ट वन. ओके, बढ़ते आगे. ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर थ्री से. क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला है कंपाउंड ए रिएक्ट विद NH4Cl एंड फॉर्म अ कंपाउंड बी. कंपाउंड बी रिएक्ट विद H2A एंड एक्सेस ऑफ CO2 टू फॉर्म अ कंपाउंड सी विच ऑन पासिंग थ्रू और रिएक्टेड विद सैचुरेटेड NaCl फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो पूछा ए बी सी क्या क्या रहे होगा. यहाँ पे देखो ए को यहाँ पे या तो COH2 है या CaCl2 है. तो स्टार्ट करते हैं COH2 से, लेट्स सी क्या हमारे प्रोडक्ट निकल के आते हैं. तो इसकी रिएक्शन करा दी सबसे पहले अपन ने NH4Cl के साथ. यहाँ पे देखो CA तो लेके जाएगा Cl को, तो क्या बन गया CaCl2 और NH4 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनिया में. ओके, प्लस H2. तो ये हमारा कंपाउंड बन गया बी. ये बी इसको भी बोल सकते अपन, बट उसने क्या बोला है फर्दर कि जो बी है रिएक्ट विद H2 ऑन एक्सेस ऑफ CO2. तो अगर हमने अमोनिया की रिएक्शन करा दी किससे, H2O और एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा दैट इज NH4HCO3. ठीक है, क्या बनेगा NH4HCO3. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं H2 और CO2 क्या बनाएगा, H2CO3 और H2CO3 क्या देगा, H+ + HCO3-. तो H+ तो अमोनिया ने ले लिया, तो ये तो किसमें कन्वर्ट हो गया, NH4 में, और NH4Cl इससे लग जाएगा तो क्या बन जाएगा NH4HCO3. ठीक है, अच्छा तो ये बन गया हमारा क्या, C. बढ़ते हैं आगे. अब इस C को अपन रिएक्शन करा रहे हैं NaCl से. तो NH4HCO3 की रिएक्शन करा रहे हैं अगर NaCl से, तो बोलो Na+ इसको रिप्लेस कर देगा अमोनियम आयन को, तो क्या बनाएगा NaHCO3. ठीक है, और साथ में बन जाएगा NH4Cl. तो यही तो उसने बोला था कि C के रिएक्शन अगर NaCl से कराए देंगे तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है. तो पूछा गया उसने A, B और C क्या है. तो A हो गया हमारा दिस वन, B क्या हो गया अमोनिया, और C क्या हो गया NH4HCO3. तो B हो गया NH3 और C हो गया NH4HCO3. सो द सेकेंड आंसर इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर में बोला है कार्बन फॉर्म टू इंपॉर्टेंट ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक. यस, CO2 कंबाइंड विद वाटर
टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, यस अभी अभी कर किया भी था अपन ने, एच टू और सी ओ टू क्या बनाएगा, एच टू सी ओ थ्री एक वीक एसिड है, ठीक है, तो ये बनाता है, इसीलिए इसको एसिडिक ऑक्साइड भी तो बोल रहे हैं, और सी ओ इज स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, इसलिए इसका नेचर अपन एसिडिक नहीं बता रहे, तो कहीं ना कहीं दोनों करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, सो बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, फर्स्ट वन। ओके स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला है करेक्ट हमने ऑप्शन चूज करने यहाँ पे, सो अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस हेज इन एटमोसफियर, करेक्ट एज ए फैक्ट अपने को याद रखना है, ओजोन गेट प्रोड्यूस वेन एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट विद क्लोरीन, देखो ओ टू रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो ओजोन बनेगी ना, ठीक है, क्लोरीन के साथ तो रिएक्ट करके नहीं बनाता, ठीक है, तो ये गलत हो गया। पॉलीक्लोरीनेटेड बायफिनाइल एक्ट एज अ क्लींसिंग सॉल्वेंट, यस इसके कई सारे एप्लीकेशन है, वन ऑफ दी इज दिस वन। ब्लू बेबी सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सल्फेट, सल्फेट होता है क्या, नहीं नाइट्रेट होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, सो द करेक्ट आंसर इज वॉट, ए एंड सी बोले तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की, क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला है ड्यूरिंग द बोरेक्स बेड टेस्ट CuSO4 अ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ बेड वॉज ऑब्जर्व इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रिक मेटाबोरेट होता है, ये क्या होता है, CuBO2 ट्वाइस, ठीक है, काफी फेमस सा बोरेक्स बेड टेस्ट होता है, सबको पता होगा, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, सेकंड वन। ओके बोरिक एसिड इज सॉलिड वेयर एज BF3 इज अ गैस, बिकॉज बोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3 होता है, H3BO3 होता है। अब यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर अपन स्टडी करें तो इसका स्ट्रक्चर रहता है कुछ ऐसा। ओके अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, तो ऐसा कहीं सारे मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ पे क्या बनाता है, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसकी वजह से, ड्यू टू एच बॉन्ड, और यही एक रीजन है कि ये सॉलिड है, ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन बोरिक एसिड, यस, सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में बोला है लुविस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरोन ट्राईहेलाइड BF3 BCl3 एंड सो ऑन, यहां पे अगर देखे कॉन्सेप्ट आता है बैक बॉन्डिंग का, बैक बॉन्डिंग होगी कुछ इस तरह से, फ्लोरीन का 2p का इलेक्ट्रॉन इसके Mt2p ऑर्बिटल में जाता है, तो यहाँ पे लोन पेयर जा रहा है इसमें, ठीक है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग अगर हो गई तो यहाँ पे प्रेजेंट जो Mt स्पेस था वो क्या हो गया, ऑक्यूपाई हो गया, यानी कि अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो खाली जगह नहीं रहेगी, यानी कि लुविस एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, तो ऐसा बोल देंगे लुविस एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे देखो बैक बॉन्डिंग जैसे जैसे अपन बात करें BF3 BCl3 BBr3 और BI3, यहाँ पे फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, 2p में, इसमें 3p में, 4p में एंड इसमें 5p में, तो जैसे अच्छा बोरोन में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आना है, 2p में आना है, तो 2p से 2p में आ जाएगा इफेक्ट, जो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे जैसे बॉटम पे अपन जा रहे हैं बैक बॉन्डिंग क्या होगी, वीक, बैक बॉन्डिंग अगर वीक हो रही है यानी कि बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक काम करेंगे बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ देख लेते हैं, तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इसमें, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर ऐसे घटेगा तो लुविस एसिड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा, तो बोलो हमसे लुविस एसिड पूछा था ना, तो यानी कि BI3 फिर BR3 फिर CL3 और F3, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, थर्ड। ओके स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में बोला है अपॉन हीटिंग अ बोरेक्स डिप इन अ क्यूप्रिक सल्फेट अल्यूमिनस फ्लेम द कलर ऑफ बेड बिकम्स ग्रीन, तो बोरेक्स बेड टेस्ट की अगर अपन बात करें, हमने लिया है CuSO4 और इसकी रिएक्शन करा देंगे B2O3 से, ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या बनाता है, नॉन अल्यूमिनस फ्लेम यहाँ पे लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड बनता है दैट इज CuBO2 ट्वाइस, ठीक है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक। अब यहाँ पे दो तरह के इसको फ्लेम में लेके जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, तो हमसे क्या बोला है ल्यूमिनस फ्लेम में इसको लेके जा रहे हैं, तो अगर इसको ल्यूमिनस फ्लेम में लेके जाएंगे तो ये ग्रीन से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, जिसने बोला है बिकम्स ग्रीन, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो यहाँ पे,
द ग्रीन कलर ऑब्जर्व ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर मेटाबोरेट, नहीं कॉपर नहीं होता है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट है ना, तो सेकंड भी गलत है, सो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, सो थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला जी ए, गैलियम के साथ अपन ने लिया ए एल सी एल फोर, वो करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो यहां पे देखो जी ए एल सी एल फोर वास्तव में किससे बना होगा, ऐसे बना होगा ठीक है, इसमें प्लस वन और इसमें माइनस वन चार्ज रहा होगा, सो दिस कंपाउंड इज वॉट आयनिक, जी ए इज कोऑर्डिनेटेड विद क्लोरीन, नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पे नहीं ठीक है, आयनिक बॉन्ड अपन बोल सकते हैं इसके और इस स्पीसीज के बीच में, जी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम, अगर अपन बात करें एल्यूमिनियम और गैलियम में तो गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती, क्यों यहां पे क्या हो जाती, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहां तक तो सही है, एंड प्रेजेंट एज अ कटाइनिक पार्ट ऑफ द सॉल्ट, ये हमारे पास सॉल्ट है कटाइनिक पार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है क्या, यस ये भी करेक्ट है, तो यही तो पूछा करेक्ट कौन सा है, सी एल फॉर्म बॉन्ड विद बोथ एल एंड गैलियम, नहीं क्लोरीन थोड़ी बना रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ गैलियम प्लस थ्री है क्या, नहीं वन है, सो सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ पोलर मोलिकुलर सॉलिड, यानी कि हमारे पास मोलिक्यूल कैसा होना चाहिए, पोलर मोलिक्यूल होना चाहिए, यहां पे देखो CO2, CO2 कैसा होता है, लीनियर होता है, नॉन पोलर है, तो इसको छोड़ दो, बात करें मोलिकुलर सॉलिड SO2 और NH3, दोनों के दोनों क्या है, ये तो बेंड शेप हो गया और ये पिरामिडल हो गया, दोनों के दोनों पोलर है क्या, यस ये रहेगा ठीक है, बाकी में देखो ये आयनिक सॉलिड हो गया इसलिए इसको हटा देंगे, ओके एंड ये भी क्या हो गया, आयनिक हो गया और इसलिए, सो द पोलर मोलिकुलर सॉलिड कौन सा आया, सेकेंड वन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है SbCl5 इज मोर कोवेलेंट देन SbCl3, SbCl5 में अगर अपन देखें इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस फाइव और उसमें प्लस थ्री, फजान रूल क्या बोलता है, फजान रूल बोलता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगी और उतने कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे, तो ये ज्यादा कोवेलेंट है इससे, यानी कि स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हायर ऑक्साइड ऑफ हैलोजन ऑल्सो टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वन, हायर ऑक्साइड जैसे कि इन दोनों में अगर अपन बात करें तो ज्यादा स्टेबल रहेगा, यस ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है ठीक है, सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बोरोन इज एक्सट्रीमली हार्ड इंडिकेट इज हाई लेटिस एनर्जी, यस बोरोन क्या होता है, काफी हार्ड सब्सटेंस होता है बिकॉज ऑफ हाई लेटिस एनर्जी, इट्स फैक्ट अपने को याद रखना है, बोरोन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अदर ग्रुप मेंबर, यस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फैक्ट अपने को याद रखना है, सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द बोराजीन, बोराजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरह का, इन ऑर्गेनिक बेंजीन भी इसको बोलते हैं अपन, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो इस तरह से शेयरिंग पेपर ने लगा दिया ठीक है, तो ये हो गया B3N3H6, ओके सो इट कंटेन बनाना बॉन्ड होता है क्या, नहीं नहीं होता ना, इसने और इनकरेक्ट ही पूछा उसने, तो करेक्ट मतलब हमारा आंसर क्या था फर्स्ट वन, इट रिएक्ट विद वाटर, यस साइक्लिक कंपाउंड होता है क्या, यस इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, यस ठीक है, ये भी एरोमेटिसिटी यहाँ पे शो कर पाएगा, सो सारे करेक्ट हैं, इनकरेक्ट पूछा था, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, वन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कोवेलेंस एट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन BF4 माइनस वन, तो बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर पकड़ा है, फ्लोरीन का कितना होता है माइनस वन, तो चार का कितना हो गया माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल्स टू कितना फोर माइनस वन बोले तो प्लस थ्री, तो बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है थ्री है, और कितने बॉन्ड बना रखा है चार, तो वैलेंसीज की कितनी होगी फोर, तो उसने पूछा है कोवेलेंसी दैट इज फोर और ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज थ्री, तो फोर एंड थ्री, सो फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 16,
16 में बोला है सम ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा। डाइसल्फ्यूरिक एसिड है और दोनों के बीच में परोक्सी लिंकेज लगा देना अपने को बस, ठीक है। अब पूछा है इसमें कितने पाई बॉन्ड है, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 4। दूसरा पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड, पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है कि दो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके एक H2O हटा देते हैं, ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अपने को, कुछ ऐसा। अच्छा, इसका OH और इसका H बाहर निकल गया और यहां पे बीच में क्या लग जाएगा, ठीक है, ये हो गया पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसमें भी कितने पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड। तो सम पूछा है तो कितना आंसर आ गया बोलो, 8। ये हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पाइरो फॉस्फोरिक एसिड। अगेन फॉस्फोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल को पास में लाओ, H2 बाहर निकाल दो, पाइरो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बोलो, H3PO3, तीन OH थे ना, तो दो बनाए मैंने अभी तक बस। अब इसका OH और इसका H बाहर निकल गया और किसके फॉर्म में, ये बन गया हमारे पास पाइरो फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें पूछा है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने, सिग्मा और पाई का रेशियो पूछा है। अच्छा, तो पाई तो कितने हो गए इसमें, 2, और सिग्मा कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बोले तो 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इफ द फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का हमें फॉर्मूला पता ही है डायरेक्ट क्या होता है, दैट इज Na2B4O4OH5.HH2, ठीक है। तो पूछा X, X कितना हो गया 4, Y कितना हो गया 5 और Z कितना है 8, कितना आ रहा है 5 और 4 9 17 12 और 5 17 इज करेक्ट आंसर। क्लोरीन कैन इजीली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड एंड द प्रोडक्ट हैज टेंडेंसी टू एक्सप्लोड। यस, क्लोरीन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कई सारे ऑक्साइड बनाती है, Cl2O, Cl2O3 एंड सो ऑन, ठीक है, और सारे के सारे एक्सप्लोजिव होता है, हाई रिएक्टिव कंपाउंड है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हैलोजन। ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सो द बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो सेकेंड आंसर इज करेक्ट आंसर। करेक्ट, ग्रुप ऑफ हैलाइड आयन विच कैन बी ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम इज। तो एसिडिक मीडियम में अगर हमें हैलोजन पूछा हुआ है, ठीक है, तो हैलोजन में सिर्फ और सिर्फ आई माइनस इकलौता कन्वर्ट हो जाएगा किस में, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। सो ये एज अ फैक्ट अपने को याद रखना है। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, 3rd one। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट होता हमारा पी ब्लॉक जेई मेन्स 2023 डिस्कशन। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया तो पूछे कमेंट बॉक्स में, उसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चे।